UFC फाइटर कॉनर मैग्रेगर ने BKFC नाम की फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया है, तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे BKFC एक्चुअली है क्या, बेयर नकल बॉक्सिंग होती क्या है, कॉनर मैग्रेगर ने इसको क्यों खरीदा है, इससे UFC में क्या इंपैक्ट आने वाला है, सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या बिलाल मोहम्मद को यहाँ पर टाइटल शॉट मिलेगा UFC मैनचेस्टर के अंदर। बहुत सारी यहाँ पर बातें निकल के आ रही है कि उनको टाइटल शॉट डेना व्हाइट की तरफ से मना किया हुआ है, डेना व्हाइट यहाँ पर रोक रहे हैं उनके टाइटल शॉट को। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाई कल ये न्यूज निकल के आई कि कॉनर मैग्रेगर जो कि UFC के सबसे बड़े सुपरस्टार है, उन्होंने एक दूसरी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन को बाई करा है BKFC, इसका नाम है बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप। अब यहाँ पर इस चीज को आप सबको समझना पड़ेगा, पूरी तरीके से BKFC को नहीं बाई करा, एक मेजोरिटी शेयर उसके अंदर बाई करा है, और ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको ऐसे ही बाई किया जाता है, उनके मेजोरिटी स्टेक को अगर आपने ओन कर लिया तो आप उसके ओनर हो। और अभी डेविड फेल्डमैन जो कि BKFC के ओरिजिनल ओनर थे, और डेविड फेल्डमैन के साथ ही यहाँ पर को ओन कर रहे हैं कॉनर मैग्रेगर बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप को। अब आप सबको नहीं पता है तो बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर फाइट्स कराई जाती है दो फाइटर्स की, जैसे UFC में ही होती है, बट UFC के अंदर MMA रूल्स होती है, यहाँ पर बॉक्सिंग रूल्स होती है। अब आप सबको लगेगा कि बॉक्सिंग रूल्स होती है, सिंपल बॉक्सिंग की फाइट होती है, जी नहीं, यहाँ पर जो मेजर USP है BKFC के प्रोडक्ट का वो ये है कि इसके अंदर जब भी फाइटर्स फाइट करते हैं तो उनके हाथों में कोई ग्लव्स नहीं होते हैं, कोई भी प्रोटेक्शंस नहीं होती है उनके नकल्स पे, एकदम अनप्रोटेक्टेड रॉ फाइटिंग होती है, और इसके अंदर सिर्फ फिस्ट फाइटिंग होती है, सिर्फ बॉक्सिंग रूल्स यहाँ पर अप्लाइड होते हैं, आप कोई ग्रैपलिंग, कोई सबमिशन, कोई टेकडाउन्स नहीं कर पाते हो। और इसीलिए BKFC के अंदर होने वाली फाइट्स को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ब्लडी और वॉयलेंट फाइट्स बोली जाती है पूरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। और भाई BKFC की फाइट में कोई भी फाइटर ग्लव्स या कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज करता अपने हाथों में, जिसके कारण यहाँ पर काफी सारा डैमेज होता है फाइटर्स को, काफी ब्लडी फाइट्स होती है। हर फाइट के अंदर ये चीज तो तय है कि सामने वाले को बहुत बुरा कट लगने वाला है या बहुत सारा डैमेज लेने वाला है या ब्लीडिंग तो 100% होने वाली है, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को बहुत ज्यादा प्लीज करती है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी ब्लडी वॉयलेंट फाइट्स देखना बहुत ज्यादा मजा आता होगा, स्पेशली इन्हीं लोगों को कैटर करता है BKFC का यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, और इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ऐसी हाई प्रोफाइल फिस्ट फाइटिंग और ब्लडी फाइट्स देखना पसंद है। लेट्स बी रियल भाइयों कि हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत टाइम पे ऐसा चाहता हूँ कि फाइट्स ऐसी ब्रूटल वॉयलेंट वाली फाइट्स हो, और हम सबको ये फाइट देखने में ज्यादा मजा आता है, ये फाइट ज्यादा बिकती भी है, ज्यादा सेल भी होती है, इनकी टिकट ज्यादा सेल होती है अगर कोई फाइटर ऐसा फाइट करता है तो। डेफिनेटली इस कारण BKFC काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था पिछले कुछ टाइम में, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बाकी जो भी कंपनीज है यहाँ पर PFL बेलेटोर ये उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं दे सकती है UFC को आगे जाके, क्योंकि अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है UFC जैसा, जो ये फाइट्स करा रहे हैं ऑलमोस्ट सेम UFC जैसी फाइट्स है, और UFC ऑलरेडी इन फाइट्स को बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉडकास्ट करता है, सेल करता है। मुझे नहीं लगता कि ये PFL बेलेटोर 1 चैंपियनशिप कभी UFC को टेक ओवर कर देंगे, बट जो ये BKFC का जो प्रोडक्ट है, ऐसा वॉयलेंट प्रोडक्ट है, ये एक अलग ही USP रखता है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि इन फ्यूचर 5-6 साल बाद ये वाला प्रोडक्ट काफी ज्यादा टक्कर दे सकता है UFC को कॉम्बैट स्पोर्ट्स के मार्केट में। और भाई यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर का भी नाम इसके साथ जुड़ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉपुलैरिटी तो आने वाली है, आईबॉल्स डेफिनेटली बहुत सारे आने वाले हैं, और इन फ्यूचर BKFC की फाइट्स में कॉनर मैग्रेगर ने खुद भी बोला है कि वो खुद भी इस इवेंट के अंदर फाइट कर पाएंगे। अब ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब UFC के कॉन्ट्रैक्ट से कॉनर मैग्रेगर बाहर निकल जाएंगे, तो डेफिनेटली वो BKFC में बेयर नकल बॉक्सिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर हमें नेट डियाज और कॉनर मैग्रेगर की जो ट्रिलॉजी है वो बेयर नकल बॉक्सिंग में भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आगे जाकर खुल जाएंगी कॉनर मैग्रेगर के लिए इस BKFC के बाई के बाद। इस सब के ऊपर आपका बाकी इसके ऊपर आप सबका क्या ओपिनियन है, आप सबको BKFC की फाइट देखना पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पे बिलाल मोहम्मद के टाइटल शॉट से रिगार्डिंग। तो बिलाल मोहम्मद ऑलमोस्ट 1.5 साल से वेट कर रहे हैं यहाँ पे टाइटल शॉट को, ऑलमोस्ट 1 साल उनकी लास्ट फाइट जो गिलबर्ट बर्न से हुई थी उससे हो जाएगा, और उससे तब तक अभी तक एक लंबा सिट आउट कराया उन्होंने टाइटल शॉट को, और UFC ने मल्टीपल इंस्टेंसेज में बिलाल मोहम्मद को इग्नोर करा था। इनफैक्ट लियोन एडवर्ड्स को उन्होंने अप्रोच करा था UFC 300 के लिए और मल्टीपल अपोनेंट्स ऑफर करे थे को, लेकिन उसमें से बिलाल मोहम्मद का नाम नहीं था, और इसी के कारण बहुत सारे लोग ऐसा अब कंसीडर कर रहे हैं और ऐसा न्यूज मार्केट में चल रही है कि डेना व्हाइट और UFC नहीं चाहते हैं कि बिलाल मोहम्मद यहां पर फाइट करें टाइटल के लिए या वो चैंपियन बने। तो भाइयों ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी। आप देखिए UFC एक एंटरटेनमेंट कंपनी है और ये सिर्फ उन्हीं फाइटर्स को फेवर करती है जो कि यहां पर टिकट सेल्स ड्राइव करते हैं, जो कि यहां पर पेपर व्यू सेल्स ड्राइव करते हैं, और अभी हम सबको ये चीज एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली बिलाल मोहम्मद की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी रही है,
बट वो एक कोई पेपर व्यू स्टार नहीं है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कैजुअल ऑडियंस के अंदर, और इसलिए यूएफसी उनको बैक नहीं करती है कभी। तो ऐसा नहीं है कि कोई फाइटर पॉपुलर नहीं है, कोई फाइटर अच्छा फाइट करता है और पॉपुलर नहीं है तो उसको कभी टाइटल शॉट नहीं दिया जाता। अब जो चैंपियन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है वेल्टर वेट डिवीजन का या कोई भी डिवीजन का चैंपियन पॉपुलर होता है, तो उसके अगेंस्ट ऐसे चैलेंजर को डाला जाता है जो कि ज्यादा सेल नहीं करता। जैसे मिडल वेट डिवीजन में जब इसराइल एडेसान्या चैंपियन था तो वो अपने दम पर सिंगल हैंडेडली बहुत ज्यादा पेपर व्यू सेल करता था, इसलिए उसको सारे कंटेंडर से लगातार फाइट कराई जाती थी। बट यहाँ पर केस थोड़ा अलग है वेल्टर वेट डिवीजन में। वेल्टर वेट डिवीजन का जो चैंपियन है लियोन एडवर्ड, वो भी खुद भी में भी बहुत ज्यादा बड़ा स्टार नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा पेपर व्यू सेल नहीं करता है। इनफैक्ट लियोन एडवर्ड्स की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव, और वो कभी भी कोई मीडिया इंटरव्यूज वगैरह में अपना ट्राई भी नहीं करता अपनी फाइट्स को सेल करने का। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर यूएफसी यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद का एक टाइटल फाइट का कार्ड बनाती है कोई भी यूएफसी नंबर्ड इवेंट का, तो वो बहुत बुरी तरीके से सेल करेगा, उसको कोई भी नहीं खरीदने वाला पेपर व्यू उसका। यहाँ पर भाई उपाय यही है कि इस फाइट को को-मेन इवेंट में डाला जा सकता है किसी एक बड़े इवेंट का, जिसके अंदर एक और बेल्ट डिफेंड हो रही होगी, एक कोई डबल टाइटल फाइट वाला इवेंट होगा, उसके को-मेन इवेंट में यहाँ पर डाला जा सकता है। जैसा यूएफसी 300 के लिए ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है, और इसलिए यहाँ पर बिलाल मोहम्मद को टाइटल शॉट ना मिला, और ना ही यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स ने इतने टाइम से डिफेंड कराया। बाकी भाई इसके ऊपर अपडेट्स ये निकल के आ रही है कि यूएफसी यहाँ पर यूएफसी मैनचेस्टर के अंदर लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फाइट को डाल सकती है। यूएफसी मैनचेस्टर यहाँ पर इंग्लैंड में होने वाला है, और लियोन एडवर्ड्स इंग्लैंड से आते तो थोड़ी सेल्स वहां से ड्राइव हो जाएगी, और इंग्लैंड के ही अपने टॉम एस्पिनल वहां पे फाइट करेंगे यूएफसी मैनचेस्टर कार्ड में, उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया है। तो डेफिनेटली फिर जो ये सेल्स ड्राइव वाली प्रॉब्लम है वो टॉम एस्पिनल की तरफ से कंफर्म हो जाएगी, उनकी तरफ से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। टॉम एस्पिनल बहुत ज्यादा सेल्स ड्राइव करेगा क्योंकि वो यूएफसी का इंटरिम हैवीवेट चैंपियन है, और इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप को ही वो यहाँ पर डिफेंड करने वाला होगा यूएफसी 305 मैनचेस्टर के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली भाई यहीं पर चांस है यहाँ पर बिलाल मोहम्मद को शायद टाइटल शॉट दिया जा सकता है, इसी की यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, कुछ दिनों में शायद अनाउंसमेंट भी आ जाए। बाकी इसके अलावा कोई भी मुझे आसार नहीं दिख रहे हैं कि बिलाल मोहम्मद को डायरेक्ट एक इवेंट में हेडलाइन करने के लिए लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट डाल देगी यूएफसी, क्योंकि उससे फिर यूएफसी का काफी ज्यादा लॉस होगा, और यूएफसी मुझे नहीं लगता इतना लॉस उठाने के लिए अभी तैयार है लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट के ऊपर। बाकी इसके बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।